hello guys i am dr devendra mishra working as assistant professor in chemistry at bidla institute of, of applied sciences right also running this tetrahedron chemistry classes channel and here are the links available to approach me hello friends welcome back to the tetrahedron chemistry classes so guys in the coordination chemistry lecture series right now actually i am very close to finish the unit बट इन टूडेज टॉपिक आई एम गोइंग टू टेक द ऑर्गल डायग्राम्स एंड फ्रेंकली स्पीकिंग एक बात मैं आपको बता दूं ऑर्गल डायग्राम कभी भी आधे घंटे या एक घंटे के लेक्चर में कम्पलीटली तरीके से ना तो समझे जा सकते हैं और ना ही इनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है राइट एंड दिस इज माई फ्रेंक ओपिनियन टू यू सो आई हैव गॉन थ्रू मैनीइब द ऑर्गल डायग्राम्स इन वेरियस वेज लेकिन वो हर तरीके से इनकम्प्लीट हैं पूरे कम्प्लीट तो है नहीं

ऑक्ट्रेडल एंडल सिस्टम फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स ओके एंड से इन द नेक्स्ट क्लास में बी टुमारो आई विल सोल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस राइट जो सी एस आई आर नेट में पहले आई है वो प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे और गेट की प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे बिकॉज आई बिलीव uh see it it will not help you to learn or to mug out these orgel diagrams if you don't know how to actually use those diagram in solving the problems so here are the important okay so you can see in this current slide and you can take the snapshot of this one i have summarized a few points here which are very very important to understand the orgel diagrams first of all ऑर्गल डाइग्राम्स आर यूज ओनली फॉर द डीडी ट्रांजेक्शन ओके इससे पहले मैं आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन देखिए आपके चार ट्रांसफर मैं पढ़ा चुका हूँ और डी डी पढ़ा चुका हूँ तो ऑर्गल ड्राइम और ऑर्गल डाइग्राम जो बनते हैं ये सिर्फ और सिर्फ डी डी ट्रांजिशन जो एब्जॉपशन स्पेक्ट्रम आपका निकल कर आता है क्सेस की, की करते हैं और वहां से जब स्पेक्ट्रम आपको मिलता है तो उसमें जो डीडी ट्रांजिशन होते हैं सिर्फ उनकी इंटरप्रिटेशन ही ऑर्गेल डायग्राम करता है वन थिंग यू शुड रिमेम्बर दिस पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके एंड ऑर्गल डायग्राम आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखिये ये किताबों में भी लिखा हुआ है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही ये एप्लीकेबल है लेकिन कई सारे सिस्टम्स जहां पे अगर आप ऊपर जाने लगे डी सेवन से ऊपर जाने लगे तो फिर हाई स्पिन और, का और लो तो काम करेंगे ओके? चाहे वो ऑक्ट्राहड्रल फील्ड हो चाहे वो टेट्राहड्रल फील्ड हो ओके तो आपका दोनों ही आपके चाहे तो, आपका टेट्राइड्रल कॉम्प्लेक्स है चाहे आपका ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स दोनों ही केसेस में काम करेगा ओके सेकेंड पॉइंट Uh, so, कहा तक हो सकते हैं डी वन से डी नाइन हो सकते हैं तो so, यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्ट में लिख दिया था इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा तो इसका कोई मीनिंग नहीं है सो डी वन टू डी नाइन तक जितने भी आपके स्पिन अलाउड ट्रांजेक्शन होंगे वहां पर ही आपका ऑर्गल डायग्राम काम आएगा एंड यू यू कैन थिंक हेयर सी यू कैन सी यू हैव ऑलरेडी सीन द केस राइट प्रीवियसली इन माय चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस एंड सी इन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आई हैव सोल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑनगनीज कॉम्पलेक्स वेरी डी फाइव सिस्टम इज देयर तो डी फाइव सिस्टम में स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं होता है स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है एंड फॉर दिस डी फाइव सिस्टम वी कैन नॉट यूज दिस ऑर्गल डायग्राम प्रिटी वेल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ओके ये इसका लिमिटेशन भी है. है और इसीलिए हम डायग्राम यूज़ यूज़ करते हैं, हैं, पे आप ये फाइव कर सकते uh, like देखिए ये सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनमें स्ट्रॉग फील्ड और वीक फील्ड का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि आइडेंटिकल एनर्जी स्टेट होती है ठीक है, है ये आप पहले भी देख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लिख के देखेंगे एनर्जी स्टेट्स बनाएंगे so

Important aspect. See point number four. Jan Taylor distortion can also be observed in the Orgel diagram. तो जब भी आप सी ऑर्गल डायग्राम तो क्या कहेंगे जब आप इसको आ, सी यूवी स्पेक्ट्रम किसी कॉम्प्लेक्स का लेंगे और वहां पे अगर आपका जॉन टेलर डिस्ट्रॉशन हो रहा होगा तो वो स्पेक्ट्राम आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा और वही डिस्ट्रॉशन जो है आपको आ, यहां से आपकी जो एनर्जी स्टेट्स होंगी वो फर्दर स्प्लिट होंगी और स्प्लिट होने की वजह से नंबर ऑफ ट्रांजिशन बढ़ जाएंगे जो कि आपके ऑर्गल डायग्राम में साफ साफ नजर आएंगे एंड इस तरीके की एक प्रॉब्लम नेट uh, में पूछी भी जा चुकी है जहां पे हेक्साएक्वा टाइटेनियम टू uh, कॉम्प्लेक्स मेरे हिसाब से है वहां पे शायद ये पूछा गया है तो उसको भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बट द इमार्टेंट पॉइंट इज दैट यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट वेन एवर द जॉन टेलर डिस्ट्रॉशन वुड बी देर इन केस ऑफ दर्ट इन कॉम्प्लेक्सेज इट वुड बी वेरी ब्यूटिफुल ऑब्जर्व इन ऑर्गल डायग्राम ओके एंड लास्ट पॉइंट Tanabe-Sugano diagrams are the more fundamental and the more important as all kinds of the DN systems can be studied, okay? So, these points you should remember. These are the very, very important one, okay? Now, guys, uh, my second slide you can see here. So, I have summarized these points here. ज आर द एल वैल्यूज राइट जीरो वन टू थ्री ये एल वैल्यूज है आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं बट आई हैव एंड एक्सटेंडेड दिस फर्दर बिकॉज इन वेन एवर यू गो फॉर दना ऑर्गेल डायग्राम सो यू विल है डी वन टू डी नाइन सिस्टम एंड इन दिस सिस्टम यू हैव एक्चुअली हायर टर्म एफ तो उससे नीचे की जरूरत नहीं होती इसलिए मैंने यहीं तक इसको लिमिट किया है सो इफ द एल वैल्यू इज जीरोन यूर टर्म वुड बी एस इफ एल वैल्यू इज वन देन टर्म वुड बी पी और अगर दो आपका एल वैल्यू है तो डी टर्म हो जाएगा तीन के लिए एफ हो जाएगा ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एंड देन देयर कम्स यू कैन सी हियर वेन एवर यू हैव दिस एस टर्म देन यू विल हैव दिस मुलिकन सिंबल एंड द ओरिजिन ऑफ दिस सिंबल्स एक्चुअली कम्स फ्रॉम द ग्रुप थ्योरी जब ग्रुप थ्योरी आप पढ़ते हैं वहां से आता है बट आई हैवेंट एक्चुअली मेड लेक्चर सीरीज ऑन ग्रुप थ्योरी

ए वन जी इसका टर्म है राइट एंड दिस इज एन ऑक्ट्रेडल फील्ड बिकॉज जी इज द जीरियड एज यू ऑलरेडी नो देंटर ऑफ सिमेट्री वेन एवर द सेंटर ऑफरीय द कॉम्पलेक्स दे आर द जीरियड आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स सो वेन जी टर्म जी इज द जीरियड विच रिप्रेजेंट दू आर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन दस ओके एंड इट दिस टर्म विस्प्रिट इन दर्गल डायग्राम

कि ये जो डी आपका टर्म है और ये जो आपका स्मॉल डी है इन दोनों का वेव फंक्शन जो है एक सा होता है तो इनका वेव फंक्शन ऐसा एक सा होने की वजह से ये कंपेरेबल होते हैं इसलिए हम इसको कैपिटल डी और इसकी स्प्लिटिंग को इस तरीके से मानते हैं इट इज इन द ऑक्ट्रेटल फील्ड ओके एंड देन अगेन यू विल हैव द एफ इफ द एल वैल्यू इज थ्री देन यू विल हैव द एफ टर्म और एफ अगर आप देखें तो आपको पता है एफ कैसे होता है इसके पास सेवन होते हैं वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ओके तो सेवन है तो टोटल सेवन बनने भी चाहिए सो दिस इज दिसनरेट दैट इज थ्री दिस इज अगेन ट्रिपली डी जेनरेट थ्री थ्री प्लस थ्री इज सिक्स एंड ए टू इज एक्चुअली वट इट इज नॉन डी जेनरेट इसकी सिर्फ डी जेनरे वन होती है तो थ्री थ्री सिक्स और वन सेवन तो ये सेवन भी आ जाते हैं ठीक ये ठीक उसी तरीके से है जैसे डी फाइव में आ जाएगा वन टू थ्री एंड फाइव फाइव कैसे दिस इज ट्रिपली डी सो थ्री दिस इज डब्ल्यू जेनरेट टू थ्री टू प्लस फाइव ओके तो इस तरीके से डी भी हम निकाल सकते हैं एंड व्हेन आई एम यूजिंग द जी सब्सक्रिप्ट इन ऑल द टर्म्स इन ऑल द मोलिकन टर्म्स दैट मीन आई एम डीलिंग विद्रहाड्रल कॉम्प्लेक्स और लेकिन अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा तो so, यही टर्म सेम ऐसे ही रहेंगे द ओनली थिंग वुड बी जस्ट लाइक दैट जो जीरे टर्म आपका है वो यहां से जी हट जाएगा सब जगह से जी रिमूव हो जाएगा यू नो इन केस ऑफ योर येट्रोडल कॉम्प्लेक्सेस देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री ओके ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है इसीलिए लापोटे सेलेक्शन रूल वहां से हट भी जाता है और आपके जो पीक uh, होती है सॉरी जो कलर होता है बहुत शार्प आता है एंड यही रीजन है इफ यू इफ यू कंपेयर एक्चुअली द दीकस ऑफ योर ऑक्ट्रहाडल अंदर टेट्राहेडल कॉम्प्लेक्सेस तो टेट्राइडल की जो पीक होती है वो बहुत ज्यादा शार्प नजर आती है इसको हम एक प्रॉब्लम से भी

उसके बाद टू थ्री सेवन एट नंबर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा सो वेन एवर यू द डी वन डी फोर डी सिक्स एंड डी नाइन टर्म्स तो इस केस में जो आपका टर्म निकलकर आएगा ग्राउंड ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म ग्राउंड स्टेट जो निकलकर आएगा वो डी आएगा हाउ यू कैन सी हेयर अगर डी वन सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है राइट right? और ये प्लस टू में ही जाएगा ये कहीं और तो जा नहीं सकता इसकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगा वो यही होगा बाकी और टर्म्स भी पॉसिबल है लेकिन वो यहां पर होगा सो इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एल एक्चुअली राइट सो एल युड टू बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस दिसल विच द वैल्यू ऑफ द प्लस टू एंड वेन एवर द एल वैल्यू इज टू इट विल इट विल बिलोंग टू द डी सो फॉर डी वन द टर्म इज द डी सिमिलरली यू कैन चेक फॉर द डी सिक्स ऑल्सो तो छे इलेक्ट्रॉन्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड द अगेन यू कैन चेक सी टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द प्लस टू शेल सो प्लस टू प्लस टू बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर वन इज प्लस वन एंड देन प्लस जीरो इज हेयर माइनस वन एंड देन माइनस टू सो टू टू फोर टू फाइव माइनस थ्री दैट विव द टू अगेन तो एल वैल्यू अभी भी कितना है टू ही है

so we can fill these three electrons just like that here would be minus 1 here would be the minus 2 and if you add c plus 2 plus 1 and zero and no electrons in the minus 1 and minus 2 so i'm just going to skip kar if you add this will give you the l value of 3 and when l value is 3 then the term would be f

ये टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं ना अभी तो ये सिर्फ टर्म है अगर मैं इनके ऊपर स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी लिख दूंगा तो ये मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी एंड आई हैव सोल्व सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स इन माय लेक्चर वे बैक व्हेन आई हैव एक्सप्लेन द रसल सोडर्स कपलिंग राइट इन द कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री इफ यू डोंट नो हाउ टू डिटरमाइन द ग्राउंड स्टेट टर्म्स एंड द ऑल पॉसिबल टर्म्स फॉर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यू कैन टाइप यूर रसल सॉन्डर्स कपलिंग और द एलेस कपलिंग बाय टेट्राहाइड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस इन द यूट्यूब तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे वहां से सीख सकते हैं तो so, यहाँ पे मल्टीप्लेसिटी लिखी जाती है और मल्टीप्लेसिटी कैसे निकलती है यू कैन सी हियर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू एस प्लस वन विच इज द मोर फंडामेंटल वन बिकॉज एस इज एक्चुअली हाफ हेयर ओके okay. लेकिन ज्यादा आसान तो टू एन ये एन प्लस वन वाला जो है ये ज्यादा इजी रहता है लेकिन फिर भी दोनों से हम करके देखते हैं से यू आर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन द सी यू हैव डी वन सिस्टम सो फॉर डी वन सिस्टम इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस मल्टीप्लिसन सो टू एंड इस गोइंग अप दैट मीन द प्लस हाफ दैट मीन प्लस वन एंड दिस सॉल्व टू गिव यू Okay. So, spin multiplicity कितना आएगा uh, uh, अगर आपके पास है दो इलेक्ट्रॉन सो टू इज है, लेकिन इसमें दो इलेक्ट्रॉन तो Okay. और या फिर आप सिंपल एक तरीका और भी कर सकते हैं अगर एन प्लस वन यूज करना चाहते हैं देखिए एक इलेक्ट्रॉन है एन प्लस वन में वन प्लस वन कर लीजिए तो ट वुड बी मोर इजी है फंडामेंटल दो इलेक्ट्रॉन है यू कैन राइट टू प्लसली तीन इलेक्ट्रॉन है यू कैन राइट थ्री प्लस वन फोर और अगर आप इसको चेक करेंगे किससे टू एस प्लस वन से सो टू इन टू वन बाई टू एंड थ्री टाइम्स वन बाई टू इज देयर प्लस वन ओके दैट विलोर तो ऐसे ही आप सबके लिए इस पे यहां से आप निकाल सकते हैं टू थ्री फाइव सेवन एट ओके देन वेन यू डू दिस एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको एक बहुत कॉमन चीज पता चलेगी कि सिस्टम अगर आप देखेंगे तो D9 में अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखें तो कितनी आ रही है टू ओके okay? और D1 में भी स्पिन मल्टी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है टू तो D1 और D9 के अगर आप ऑक्टाहेड्रल डायग्राम बनाएंगे तो ये अपोजिट होंगे इन्वर्टेड इनवर्टेड होंगे ठीक है यहां हमने लिखा बी देखे डी वन एंड डी नाइन दे हैव दोथ सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड दिस इज द ट्रेक आई डेवलप्ड एक्चुअली तरीके से इफ यू चेक समॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ थ्री एंड देन यू आर हैविंग द डी टू सिस्टम Which is the of 3, तो d2 uh, d2 d8 this is d8, this is d2, d8 d8, एक दूसरे से अपोजिट होंगे यू कैन सी d2 टू एंड डी एट देर है ऐसे ही अगर आप और को भी मैच करना चाहेंगे तो आपको लगेगा देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइव है डी फोर के, के केस में ठीक है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइव है डी फाइव डी सिक्स केस में तो डी फोर और डी सिक्स के डायग्राम भी एक दूसरे से रिवर्स होंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं डी फोर एंड डी सिक्स दे हैव द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ फाइव एंड दे हैव द रिवर्स ऑर्गल डायग्राम एंड फाइनली यू लेफ्ट विद यूर डी थ्री सिस्टम आपके अपोजिट डायग्राम होंगे डी थ्री एंड डी सेवन दे आर द रिवर्स डायग्राम लेकिन इस केस में टर्म जो आएगा वो एफ आएगा अभी आप पीछे देख भी चुके हैं कि टू थ्री सेवन एट में एफ टर्म आता है यू कैन सी हेयर

देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए वन फोर सिक्स नाइन ओके ऐसे करके इसको लिख दीजिए और इसके बाद क्या करिए इनको क्रॉस कनेक्ट कर दीजिए कनेक्ट बोथ ऑफ देम क्रॉस ओके एंड यहां से आप ट्रिक याद रखेंगे क्रॉस एरोस कनेक्टिंग

इनके जो ऑर्गल डायग्राम होंगे वो भी कैसे होंगे रिवर्स्ड ओके देन अनदर ट्रिक विच आई कैन राइट हेयर स्ट्रेट एरोस कनेक्टिंग नंबर्स विल हैव आइडेंटिकल ऑर्गल डायग्राम उनके ऑर्गल डायग्राम आइडेंटिकल होंगे तो किस किस के वन और सिक्स के आइडेंटिकल होंगे वन एंड सिक्स और इसी तरीके से फोर और नाइन के आइडेंटिकल होंगे क्योंकि इनको कौन कनेक्ट कर रहा इनको आपके स्ट्रेट एरो कनेक्ट कर रहे हैं दिस दिस ट्रिक अगर अगर आपको यह ट्रिक पता है देन देर इज नो प्रॉब्लम ओके नाउ आई एम नाउ आई एम जनरेटिंग द ऑर्गल डायग्राम फॉर यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा say I can write in that manner okay right and in the center I am putting a line this is zero in that case your LFS ligand field strength is increasing and from here also ligand field strength is increasing and this is energy which is going up

एंड दिस वुड बी इजी इस तरीके से होते हैं अब यही स्प्लिटिंग यहां पर भी होनी है तो आप सिर्फ इतना याद रखें ऑक्टा हेड्रल से ही शुरू करें से दिस इज यूर टी टू जी एंड दिस इज यूर ईजी ओके दिस इज द स्प्लिटेड मैथर फाइन एंड यू डू दिस वन दू डू यू प्रिपेयर दिस डायग्राम फॉर वट डी वन ऑक्टा हेड्रल बस इतना याद रखें आप डी वन ऑक्टा के लिए ये है ओके नाउ डी वन से कनेक्ट क्या हो रहा है नाइन तो नाइन और वन अपोजिट होंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा डी नाइन ऑक्टाहीड्रल ओके दोनों अपोजिट होंगे अपोजिट का मतलब क्या है दिस वुड गो इन दैट मैनर एंड दिस विल कम डाउन अपोजिट का मतलब है कि ये जो टी टू जी टर्म है ये ऊपर चला जाएगा इजी वाला नीचे आ जाएगा सो वेन इट गो अप सो अपट टी टू जी हेयर एंड वेन इट कम्स डाउन देन यू विल राइट द Easy here, okay? तो ये रिवर्स हो गए क्लियर नाउट इज वेरी इजी तो सेम कौन कौन से हैं One six same है देखिए so वन no और सिक्स सेम सो यू कैन राइट डी सिक्साइड्रल नो प्रोब्लम और फोर नाइन एक से है देन यू कैन राइट डी फोर ऑक्टाहीड्रल सो दिस इज हाउ इजी आप देखिए कितनी आसानी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं तो ये तो आपके बन गए ऑक्टा हेड्रल के लिए क्लियर देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट ओके गाइज

this would be eg and this would be t2g so this was your eg this was t2g okay so whatever the orgal diagram you have prepared for the octahedral system inko reverse kar dijiye to wo tetrahedral ke ban jayenge okay to तो inko reverse karne ka kya matlab hai dekhiye ab jo yahan pe aapke यहाँ पे आपके जो ऑक्टाहेड्रल हैं, वो इधर आपके जाके tetrahedral हो जाएंगे this is very very important note that okay guys so uh, how you can uh, write whether they are the octahedral or they are the tetrahedral this is again very simple okay so I'm generating the diagram for this one okay this is how I can write this is how okay and say

ठीक है और जब जीरेट टर्म हट जाएगा तो आप आसानी से फिर इनको बना सकते हैं ओके सो so, इस केस में देखिए डी वन डी सिक्स ऑक्ट्राइड्रल थे अब यहां पे उल्टा कर दीजिए डी फोर डी नाइन को इधर ले आइए आप ओके तो ये क्या हो जाएंगे डी फोर टेट्राहेड्रल और डी नाइन टेट्राहेड्रल तो यहां वाले को आप इधर टेट्राहेड्रल इनको इधर ले जाइए टेट्राहेड्रल कर दीजिए डी वन टेट्राहेड्रल एंड डी नाइन टेट्राहेड्रल सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट ऑरगल डायग्राम ओके इफ नाउ इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ दीज तो सिर्फ आपने क्या याद करना है बस ये वन फोर सिक्स नाइन का क्रॉस सिर्फ डी वन का कंफिग्रेशन याद रखें फिर आपको पता ही है कि डी वन डी सिक्स एक से ही है और ये अपोजिट वाले एक से ही है और इनको इन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि ऑक्ट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो है अपोजिट वे में स्प्लिट होते हैं देन यू विल है वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड गाइज वन मोर थिंग अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो एक कंसेप्ट वहां पर दिया जाता है होल कंसेप्ट ओके okay? तो होल कंसेप्ट को याद करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कई बार अगर आप जानना चाहें कि ये होता क्या है तो मैं आपके नॉलेज के लिए सिर्फ होल कंसेप्ट बता दे रहा हूँ क्या होता है सी सो फार सी रिमेम्बर वन थिंग यू कैन हैव योर डी जीरो यू कैन हैव डी फाइव एंड यू कैन हैव डी टेन देखिये इसमें भी कोई आपका डी डी ट्रांजेक्शन नहीं होगा बिकॉज देर इज नो इलेक्ट्रॉन डी फाइव में डी डी ट्रांजेक्शन नहीं होगा होगा भी तो फॉरबिडन सो यू कैन टेक दिस दिस ऑल्सो एज अ स्टैंडर्ड एंड डी टेन यू नो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए तो इसमें भी डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा ना सी अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दू तो मेरे पास डी नाइन बचेगा सो यूर वेव द डी नाइन सिस्टम सो दे आर नोन एज द वन होल सिस्टम वन होल सिस्टम ओके ठीक ऐसे ही अगर मैं डी फाइव में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दू दे डी फोर और डी फोर भी आपके क्या होते वन होल सिस्टम होल आपको मालूम ही है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को दिखाते हैं ओके okay? लेकिन अगर मैं इससे ही मान लीजिए d5 से एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दूं देन आई विल हैव द d3 और इससे फिर मैं एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दूं देन आई विल हैव द d8 सो दीस टू आर एक्चुअली द टू होल सिस्टम्स टू होल सिस्टम्स तो आप ये जरूर याद रखेंगे कि कैसे आपके ये आपके होल इसमें जनरेट होते हैं क्लियर एट सीमिलरली यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस अगर डी में आप वन एड कर दें डी जीरो प्लस वन इलेक्ट्रॉन दिल गिव यू डी वन ओके एंड दिस वॉज यूर डी फाइव डी फाइव में एक इलेक्ट्रॉन अगर आप एड कर दें देट वुड बी डी सिक्स सो दीज टू आर एक्चुअली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स और वन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इससे रिलेटेड होंगे ओके और अगर मैं फर्दर इसमें से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देता हूँ इसमें फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ यूर डी थ्री सॉरी डी टू सिस्टम ओके डी टू तो डी टू और डी सेवन जो होंगे आपके ये टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो होल और इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको होल कॉन्सेप्ट के बारे में भी कुछ ना कुछ पूछने के लिए दे दें ओके सो दिस इज हाउ यू कैन सी? वी कैन वेरी इजीली जनरेट द ऑर्गेल डायग्राम्स वेरी सिंपली वी कैन जनरेट द ऑर्गेल डायग्राम्स। ओके दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके नाउ यू हैव एक्चुअली यू हैव डन फॉर यूर वन फोर सिक्स नाइन ओके राइट यू हैव डन फॉर वन फोर सिक्स नाइन ओके नाउ व्हाट इज लेफ्ट सी डी फाइव तो होता नहीं है इसमें तो वन फोर सिक्स नाइन चलेगा तो आप बचेगा क्या आपके क्या बचे टू थ्री सी टू थ्री सेवन एट दो इनके बीच के बचे टू थ्री और दो इनके बीच के बचे सेवन एट ओके तो अगेन आई एम गिविंग यू द ट्रिक सो अब इसको ध्यान में रखेंगे वेन वेन यू आर डन विद वन फोर एंड सिक्स नाइन तो वन और फोर के बीच में टू थ्री आएगा और सिक्स और नाइन के बीच में सेवन और एट आएगा सो यू कैन राइट इन दैट मैनर Two, three, seven, eight, एंड अगेन यू कैन राइट two, three, seven, eight. ऐसे करके स्क्वायर में इसको लिख लीजिए एंड वंस यू राइट in the स्क्वायर क्रॉस कनेक्ट कर दीजिए ओके okay? तो जो क्रॉस से कनेक्ट हो रहे हैं उनके ऑर्गल डायग्राम अपोजिट होंगे और जो स्ट्रेट से कनेक्ट हो रहे हैं उनके आइडेंटिकल होंगे तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आइडेंटिकल ऑर्गल डायग्राम. आइडेंटिकल ऑर्गल डायग्राम फॉर स्ट्रेट एरोज जैसा मैंने इससे पहले लिखा था और फॉर क्रॉसड एरोज लाइक फॉर क्रॉसड एरोजल डायग्राम वुड बी रिवर्सड ये ठीक वैसा ही है जैसा आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है ओके okay? सो so, और आपको मालूम है कि इसकेस में टर्म क्या होगा एफ टर्म जनरेट होगा

थ्री सिक्स वन सेवन तो इसके सेवन आपके पूरे भी होते हैं ओके तो हाउ टू जनरेट एक्चुअली द डायग्राम तो डायग्राम जनरेट करने के लिए आप क्या करें वेरी इजीली यू प्रिपेयर दिस वन ओके एंड देन व्हाट आई कैन डू यू कैन कनेक्ट दिस इन दैट मैनर ओके सो दिस इज एनर्जी गोइंग अप दिस इज एनर्जी अगेन गोइंग अप

and again you can write here a to g there is no problem in that okay guys and then you can see uh, you have the splitted term iske baad kya honge aapke ye splitted term t1 or t2 splitted term honge so what you can do you can write in that manner say uh, okay. Isse pehle ye to upar chala okay, इससे पहले फिर मैं आपको ये बता दूं कि टी वन जी जो है आपका ये पी से जनरेट हो रहा है सो यू कैन राइट जस्ट इन यू कैन ड्रॉ जस्ट इन दैट मैनर ओके इस तरीके से आप इसको बना दीजिए एंड देन यू कैन राइट देअर नंबर से दिस इज टी वन जी एंड दिस इज अगेन टी वन जी ओके सो दिस टीवन जी एंड टी वन जी दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द पी टर्म ओके सो लेटर आई एक्सप्लेन हाउ एक्चुअली इट विल गो एंड देन यू विल है डाइग्राम्स एंड देन हाउ यू कैन ड्रॉ देयर दो डाइग्राम्स ओके Right? yes this is this will split just like that this will split just like that so you can write their number this is t1g okay and this is t2g similarly you can split these okay just like that okay let me check whether i have drawn properly or not yes properly okay then you can write this is t2g and this is t1g okay so uh, you can see the important feature is here see here you can write the f so because they are uh, these terms gener generating from the f and you can write p here because this t1g and t1g they are actually generating from the uh, t1g so what you can observe here this T1G and this T1G because they are actually belonging to the different kinds of the term so when they come uh, closer to each other so they will have the curvature shape so curvature shape में that means they are rippling each other uh, which is uh, which is actually the non-crossing rule तो so non-crossing rule में पहले भी आपको बता चुका हूँ तनावी सुगनु डायग्राम में तो इसका माने कि जब same term आपस में आते हैं तो ripple करते हैं और curvature आ जाता है okay और यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं ये शायद पूरा नहीं बना है अगर इसको ऐसे extend करें तो ये इधर कट कर जाएगा ओके okay? तो हाउ एवर दिस इज नॉट लुकिंग वेरी गुड बट यू कैन सी आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एज वेल ओके सो दिस इज यूर ऑक्से नाउ यू कैन वट यू कैन डू यू कैन राइट द नंबर्स फॉर यूर ऑक्टाहेड्रल हेडल द टेट्रा हेडल सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ आई हैव जनरेटेड द डायग्राम ओके so this was actually uh, the uh, diagram for your uh, 1469 system which I have already explained to you jo maine यहाँ pe banaya hua tha this one okay ये आपका 1469 वाला octahedral और tetrahedral के लिए मैंने यहाँ पे लिया था okay और इनको अगर मैं combine कर दूँगा दोनों को octahedral और tetrahedral को इन दोनों को then दे देगा तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया आपका वन फोर सिक्स नाइन मैंने आपको बताया है कैसे होते हैं ठीक है तो वन और सिक्स सेम होते हैं ऑक्टाहेड्रल में ठीक है और आपके फोर और नाइन सेम हो, होते हैं ऑक्टाहेड्रल में तो ये आगे एंड फोर और नाइन uh, इसका अपोजिट हो जाएगा तो इधर टेट्राहेड में आ जाएंगे और वन और सिक्स वहां जाके अपोजिट टैट्राडल हो जाएंगे तो टेट्राइडी एक्सप्लेन ओके नाउ कमिंग बैक टू दिस वन

ठीक है और डी सेवन ऑक्टाहेड्रल भी ऐसा ही होगा क्लियर है और इसके बाद थ्री और एट ऑक्टाहेड्रल इसके रिवर्स होंगे क्योंकि देखिए ये तो क्रॉस क्रॉस जा रहे थे वाले होते हैं और ये वाले सेम होते हैं तो थ्री और एट सेम लेकिन थ्री और सेवन डिफरेंट सो दिस इज थ्री और दिस इज सेवन ओके दिस इज टेट्राहेड्रल दिस इज ऑक्टाहेड्रल ओके सिमिलरली यू कैन गो फॉर दिस वन

D3 और D8 फिर अपोजिट होंगे तो इनको वहां डाल दीजिए दूसरी तरफ और फिर ऐसे ही आप रिवर्स कर लीजिए टेट्राहेड्रल फील्ड्स के लिए ओके okay? तो इस तरीके से आप बन सकते, बना सकते हैं सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट द सॉरी ऑर्गे डायग्राम एंड नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन नोटिस हेयर सी आईज वेन एवर यू हैव दिस वन फोर सिक्स नाइन सिस्टम राइट वेन एवर यू हैव दिस टर्म ट्रांजिशन, so चाहे आपका ऑक्ट्राइड्रल हो चाहे आपका टेट्राहेड्रल हो सिर्फ एक ही ट्रांजिशन उसमें नजर आएगा DD, लेकिन हाँ अगर आ, यहाँ पे आपका मान ली जेटी डिस्ट्रॉशन जॉन डेलर डिस्ट्रॉशन हो जाता है तब आपका ये डिस्ट्रॉट होगा तो इसकी में आपकी जो है फर्दर ये टर्म्स जो है स्प्लिट हो जाएंगे इसको फिर मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा बट वेन यू गो फॉर दिस वन ओके यू आर टू थ्री सेवन एट सिस्टम राइट वेयर एफ टर्म इज इन्वॉल्व तो एफ टर्म में आप देखे ट्रांजेक्शन आपके तीन होंगे तो so, इस केस में तो देखो ट्रांजिशन है टी टू जी से की तरफ लेकिन यहां पे तीन ट्रांजिशन है टी वन जी से टी टू जी पहला ट्रांजिशन विच इज दिस वन देन टी वन जी से ए टू जी दूसरा ट्रांजिशन एंड देन टी वन जी से टी वन जी तीसरा ट्रांजिशन सो थ्री ट्रांजिशन आर देयर इसके लिए एनर्जी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और इसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी सो विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन आल्सो व्हेन एक्चुअली द क्वेश्चन वुड आस्क जस्ट लाइक दैट कैलकुलेट द डिटरमाइन द एनर्जी और डिटरमाइन द वेव नंबर और डिटरमाइन द वेन बाई यूजिंग द तनाबे सुगानो डायग्राम ओके गाइज सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट द दर्गेन Diagrams, okay? अच्छी से कर लीजिए कैसे है बस आपने क्या ध्यान रखना है बस ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया वन फोर सिक्स नाइन और सिर्फ वन के लिए याद करके जनरेट करके फिर रिवर्स करते रहिए तो ये बन जाएगा ठीक है ठीक वैसे ही आप फिर इसमें आपके इन वाले पिक्चर्स में भी कर सकते हैं सो दिस वॉज अ लिटल डायग्राम और थोड़ा सा भी यहाँ पे हुआ है बट इफ यू सी दोनों दोनों की डायग्राम एक ये वाला भी और पीछे वाला भी दोनों बिल्कुल एक से हैं। जनरेट करने का तरीका वही है जो मैंने आपको क्रॉस ट्रिक बताई है वो क्रॉस ट्रिक आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं विच आई हैव है टू थ्री सेवन एट सो अब डी फाइव यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डी फाइव यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम जो है यूज करते हैं आपके

question based on the orgel diagram so that's it for today okay guys and uh, if you are liking the lecture and grasping the things kindly subscribe the tetrahedron chemistry classes okay hit the bell icon do share with your friends right and don't forget to like the video okay guys thank you thank you very much